अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इशाल और मुझे प्यार से बोला जाता है इशू। आप लोग चाहें तो मुझे बोल सकते हैं टीशू, मैं बुरा नहीं मानूंगी। सो टुडे हम लोग करने लगे हैं, आज एक बुके बनाएंगे आप लोगों के साथ। सो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक क्रे पेपर फ्लावर्स के लिए, और हमें इस साइज़ के फ्लावर बनाने हैं। हमें इससे छोटे भी हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी ग्लू, सीज़र, हार्ड पेपर एंड पेंसिल्स। सो अब हम इनसे बनाएंगे एक न्यू और ब्यूटी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जी गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है जी ग्रे पेपर। अब इसकी मैं कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमने इसी साइज़ का पेपर ले लेना है। इसको हम लोग फोल्ड करेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद हम लोग यहाँ से अब इसकी कटिंग करेंगे, दो हिस्सों में से कर लेंगे। सो गाइस, हमने इसको दो हिस्सों में कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और इसको अब इसकी हमने कटिंग स्टार्ट करी। अब इसको हम लोग यूँ सीधा काटेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसको फोल्ड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फोल्ड करने के बाद हम इसे दोबारा से इसी तरह काटेंगे। हम लोगों ने इसको इस तरह से कट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको दोबारा से इस तरह से कट करना है। अब हम लोगों ने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है जो, ठीक है। अब हम इस तरीके से फोल्ड करके इधर से हम लोगों ने कटिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है, और आपके फ्लावर इतने प्यारे बनेंगे ना। जब एंड पे जब हमारे फ्लावर्स तैयार होंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे हो गए हैं जी इस तरीके से दो हिस्से। अब हम लोगों ने इन दो को इस तरीके से करने, दोनों को देख लें, मैं दोबारा बता रही हूँ, दोनों को इस तरीके से कंबाइन करके हम लोगों ने अगेन फोल्ड करना है। एंड लेट्स गेट कटिंग स्टार्ट। हम लोगों ने अब कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये हमारी हो गई है जी कटिंग, और ये फोर पीसेस हो चुके हैं। अब हम लोग पेंसिल से सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है, नीटली। सो अभी हम लोग सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है। छोटे बनाइए क्योंकि हमें चाहिए जी छोटे छोटे फ्लावर्स, ठीक है। हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कटिंग। सो कटिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो हमने कर लिया है जी कटिंग। अब इनको रफ जो हमारे पेजेस रह गए हैं रफ ग्रे पेपर, इनको अभी हम लोग साइड पर रखेंगे। ये करने के बाद हम लोग लेंगे स्टेपलर। हमें स्टेपलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके बाद हम लोग इस ज्योमेट्री में से स्टेपलर लेते हैं, और स्टेपलर हम लोगों ने मिड में करना है। सो जी अभी हम लोग करेंगे स्टेपलर, देन मिड में यूँ स्टेपलर कर देंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 सर्कल्स को हम लोगों ने आपस में स्टेपलर किया है। देख लें, करीब से दिखा देती हूँ, ठीक है। अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको यूँ इस तरह से चूंटे लेंगे इसमें यूँ, ठीक है। इस तरह से हम लोग चूंटे ले आएंगे इसमें। इस तरीके से आपका फ्लावर बहुत सा क्यूट बनेगा और बहुत प्यारा लगेगा। छोटे फ्लावर लगते भी बहुत क्यूट हैं, ठीक है। ये लास्ट 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 रह गया, अब इसे भी हम लोग कर लें। इसमें सही जोर से करना, इतना भी जोर नहीं लगाना कि बेचारा ख़राब भी हो जाए, ठीक है। और ये हमारे चुने चुने फ्लावर तैयार हैं, ठीक है, प्यारे से। ये देख लें आप, ये हमारे हैं जी छोटे से फ्लावर, ठीक हो गया। ये हमारे फ्लावर्स रेडी हैं। अब इसी तरीके से हम लोग ने और भी फ्लावर्स तैयार करने हैं, ठीक है।
सो गाइज ये हो गए हैं जी रेडी हमारी सारी के सारे फ्लावर्स। सो अभी हम लोगों ने, अगर आप चाहें तो आप लोग और भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने तो इतने ही किए हैं, तो मैं चाहूँ तो अभी और भी कर सकती हूँ। सो ये हमारे छोटे भी मैंने कुछ बनाए और कुछ बड़े भी बनाए हैं। सो अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी आगे हम लोग बनाने लगे हैं एक क्यूट सा बुके। सो फ्लावर्स तो हमारे हो गए, लेकिन अब हम लोग बताएंगे कि बुके कैसे बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज ये है जी हमारा बुके। सो अभी यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ग्लू, लेकिन हमने अभी पिंच किए हैं एडजस्ट के लिए। सो अभी हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे एंड इसके बाद हम लोग इसके ऊपर फ्लावर्स लगाएंगे। अब अंदर से भी देख सकते हैं कितना खुला है। आप लोग कह रहे होंगे इतने ज़्यादा फ्लावर्स हमें बनाने पड़ेंगे, नहीं ऐसा कोई नहीं। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी ईजी सी एक टिप बताऊँगी इसकी। सो ये है हमारा बुके एंड हमारे फ्लावर्स, ये दो चीज़ें रेडी हैं। अब हम लोग तीसरी चीज़ रेडी करते हैं। गाइस अब हम तैयार करने वाले हैं बुके। एज यू कैन सी कि हम लोगों ने इसको अटैच कर लिया है विद UHU के साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह अटैच हो जाए, फिर नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं कि इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या होगी। सो गाइज हमने इसको यहाँ पे स्टिक कर लिया है, बट हमने यहाँ पे पिन टेम्परेरी लगाई है ताकि ये स्टिक हो जाए, क्योंकि ये कार्डबोर्ड है तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है। नेक्स्ट हमारा ये है कि आप अगर आपके पास कोई ओल्ड पेपर्स हैं लाइक न्यूज़पेपर हो या कोई भी हो, तो आपने उनको इस तरह से बॉल्स बना लेनी है और इसके अंदर स्टिक कर देनी है ताकि हमारे पास ये एक बेस बन जाए। अब मैं आपको ये सारा करके दिखाती हूँ। सो गाइस फालतू कोई भी पेपर जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आपने इसके अंदर स्टिक कर लेना है, एक बेस आपकी बन जाएगी, ठीक है। और कोई भी पेपर उसके ऊपर मैंने जो है फ्लावर्स की जो है पेपर बचा था वो यहाँ पे ऐड कर दिए। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो अब हम इसके ऊपर की गोल बेस तैयार करेंगे। अब वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से तैयार होगी। सो गाइस अभी हम लोग इसको कवर करने के लिए सर्कल बनाएंगे इसी कलर में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इस तरह से हम लोग सर्कल बना लेंगे। पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग कटिंग करेंगे। सो इस तरह से हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं पेंसिल से हम लोगों ने निशान लगाए हैं, ठीक है। अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग इस तरह से काटेंगे क्यूब में। सो गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं जी कटिंग। सो यू कैन सी दैट। सो गाइस ये दो सर्कल हम लोगों ने कट कर लिए हैं, ठीक है। दो मैंने इसलिए लिए ताकि ये एक इसके ऊपर इस तरह से आएगा, ये एक इसकी थिक बेस लाइक जो है वो तैयार होगी, ठीक है। अब मैं आपको इनको दोनों को अटैच करके बताती हूँ। सो गाइस मैंने इन दोनों को अटैच कर लिए, ठीक है। एज यू कैन सी अब हम बुके के साथ जो है वो अटैच करेंगे। आई होप अब हमारा ये अटैच हो गया हो। नाउ वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ यार। अब इसके साथ यूँ अटैच करेंगे, ठीक है। और ये इसके साथ अटैच करके मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस अभी हम लोगों ने पेस्ट कर लिया है जैसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग करने लगे हैं जी फ्लावर्स। फ्लावर्स कैसे पेस्ट करने हैं हम लोगों ने आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग लगा देंगे लिक्विड ग्लू। UHU भी ले सकते हैं या फिर और भी कोई लिक्विड ग्लू आप ले सकते हैं, और ग्लू गन भी ले सकते हैं आप लोग। सो इस तरीके से हमने ग्लू लगा दी। अब वन बाय वन हम लोग फ्लावर्स पेस्ट करेंगे इस तरह से। अब सब पेस्ट करने के बाद हम लोग फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं हमारा ये क्यूट सा ब्यूटीफुल सा जो बुके है वो रेडी हो चुका है। फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आई होप कि आप लोगों को भी हमारा ये बुके बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हमारी हर वीडियो के साथ आप लोगों ने रहना है, ठीक है। सो गाइस अभी जो है हम लोग इसकी प्यारी सी ना, हम लोगों ने एक तरह से ये बॉय है हम लोगों ने वो लगा दी है, ठीक है, इसकी लुक के लिए, ठीक है। और ये हमारी फाइनल लुक आप लोगों को अभी दिखा देते हैं। ठीक है
दीजिएगा सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड बेल आइकन. थैंक यू सो मच गाइस. अल्लाह हाफिज़.